एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। उनकी कुल संपत्ति 234.1 बिलियन डॉलर 19,20,723 करोड़ है। वे इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला और अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेसएक्स समेत कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ हैं। वर्तमान में उनके पास टेस्ला में 23% हिस्सेदारी है। उनकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 2/3, टेस्ला की सफलता से जुड़ा है। मस्क ने अक्टूबर 2022 में तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदा। मस्क सितंबर 2021 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हुए। नवंबर 2021 में उनकी संपत्ति 320 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वे मोएट हेनेसी लुइस वुइटन LVMH के सीईओ और अध्यक्ष हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी है, जिसमें लगभग 70 प्रसिद्ध फैशन और सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड शामिल हैं। जनवरी 2021 में LVMH ने 15.8 बिलियन डॉलर में ज्वेलर टिफनी एंड कंपनी का अधिग्रहण पूरा किया। अर्नोल्ड के 5 बच्चे विशाल LVMH साम्राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करते हैं। जनवरी 2023 में उन्होंने अपनी बेटी डेल्फिन को समूह के दूसरे सबसे बड़े ब्रांड डायर का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। अर्नोल्ड और उनके परिवार की कुल संपत्ति 230.3 बिलियन डॉलर 1889,545 करोड़ है। जेफ बेजोस। जुलाई 2021 में जेफ बेजोस ने चेयरमैन के रूप में अपना पद बरकरार रखते हुए ई कॉमर्स पावर हाउस अमेजोन के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका छोड़ने का फैसला किया। उसी महीने के दौरान उन्होंने ब्लू ऑरिजिन, जिसकी उन्होंने खुद स्थापना की, द्वारा विकसित एक रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। उनकी कुल संपत्ति 151.7 बिलियन डॉलर 12,44,655 करोड़ है। वे 59 साल के हैं। लैरी एलिसन ने 1977 में सॉफ्टवेयर फर्म ओरेकल की सह स्थापना की और 2014 तक इसके सीईओ का पद संभाला। वर्तमान में वह कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। 2012 में एलिसन तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने 300 मिलियन डॉलर की राशि के लिए लानई के हवाई द्वीप का अधिग्रहण किया। एलिसन ने टेस्ला में पर्याप्त हिस्सेदारी सहित निवेश में भी कदम रखा, जहां उन्होंने 2018 से 2022 तक निदेशक मंडल में कार्य किया। एलिसन की कुल संपत्ति 146.3 बिलियन डॉलर 12,00,349 करोड़ है। वे 78 साल के हैं।